सीतापुर में उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री सुरेश राही ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना है। तो वहीं के न्यूज संवाददाता अबरार अली ने कारागार मंत्री सुरेश राही से खास बातचीत की है। सरकार ने ये वादा किया है, सरकार ने ये आदेश दिए है कि सभी मंत्री अपने जिलों में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, उसी को लेकर अगले 3 दिनों तक सुनेंगे, लेकिन आज से ही शुरू हो गया। यह हमारे साथ कारागार मंत्री सुरेश राही जी है मौजूद, वो लगातार जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर इनके पास समस्या किस तरह की आ रही है, किस तरह की समस्या आ रही है। सामान्य समस्याएं होती है जो तहसील की, थाने की, और क्या। अच्छा, तो इसका निस्तारण आप कैसे करते हैं? सब तुरंत तुरंत फोन कर दिया जाते हैं। क्या लगता है कि जो अधिकारी आप लोग बात करते हैं तो आपकी सुनवाई करते हैं या नहीं? देखिए, कभी कभी जो जनता है अधिकारी तक नहीं पहुंच पाती है, सीधे चली जाती है, तो उनको भी भेज दिया जाता है। आपकी जो समस्या है, आपकी जैसे आप बताते हैं किसी की समस्या को, तो उसको गंभीरता से लेते हैं, अधिकारी नहीं ले रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल सारे गंभीरता से लेते हैं, सारे कार्य कर रहे हैं। मेन समस्याएं से आपके क्षेत्र की क्या है, जितने लोग आ रहे हैं जनता की? देखिए, समस्याएं से तहसील की होती है और थाने की होती है, उसके अलावा कोई समस्या नहीं, बड़ी समस्या नहीं, बड़ी समस्या कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे पहले की रही चाहे अब रही हो, हम लोग हमेशा जनता से जुड़ के रहे हैं और जनता के कार्य करते रहे, और इसी कारण लोग आज दोबारा सत्ता में आए हैं। और एक इतिहास रचा हम लोगों ने कि लोगों का कहना था कि दोबारा कोई पार्टी सरकार में नहीं आती है, और हम लोगों ने अपने कार्य के बल पर दोबारा आए हैं, और ये जनता ने विश्वास किया है और हमको उस विश्वास को कायम रखना है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और जो अधिकारी होंगे देख लिया जाएगा, ऐसे कोई समस्या ही नहीं है। आपकी समस्याओं को गंभीरता से ले रहे हैं अधिकारी? नहीं नहीं, सभी ले रहे हैं, लेते रहे। तो ये हमारे साथ थे कारागार मंत्री सुरेश राही जी, और जो कह रहे थे कि लगातार लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और जनता की समस्याओं का निस्तारण भी कर रहे हैं। सीतापुर से अबरार अली के निजी